एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी सेफ होंगे। तो गाइज, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमारा ऑलमोस्ट हो गया है और मैं भी कर ही रही थी, तो क्योंकि हस्बैंड आज घर पर ही हैं तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आज, तो इसीलिए उनकी मीटिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो आज भी स्किप होगी, दो दिन से मैंने वीडियो डाली नहीं है। और अभी मैंने बनाए थे वही आज मस्त से मिक्स वेज पराठे, आलू गोभी प्याज के अच्छे से। और ये देखिए, मैं भी आपको थोड़ा सा भी मेरा बचा हुआ है, मैं भी खा रही थी। और आप देखिए कि मैं बैठी कहाँ हूँ, ये देखिए अभी मैं खा रही थी, साथ में है चाय। और अभी मैं जो खा ही रही थी तो हस्बैंड कहीं अंदर, तो मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है, मैं वीडियो जो बना लेती हूँ। तो गाइस, आज तो मौसम भी हो गया है खराब रात से। अभी मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर हम चलेंगे बाहर और मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का नजारा। कभी कभी है ना, मिक्स वेज के पराठे ना काफी अच्छे लगते हैं। एक्चुअली क्या था कि मैंने सब्जी बनाई थी आलू गोभी की, तो वो सब्जी मेरी बच गई थी, थोड़ी सी बची थी, तो उसमें मैंने प्याज वगैरह डाल के, कोरिएंडर, ग्रीन चिली सब कुछ बना मैश हो करके, और टेस्टी से बन गए मेरे पराठे। तो इसका हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अब अभी आएगी लंच की बारी, तो देखते हैं लंच में क्या खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड तो शायद लंच करेंगे नहीं, उन्होंने तो पेट भर के खा लिया, वो ज्यादा मतलब मॉर्निंग में खाते, लंच नहीं खाएंगे, वो लेंगे तो थोड़ा भूल लेंगे। और देखिए गाइस, मैं बैठी कहाँ हूँ, मैं किचन में बैठी हूँ नीचे शेल्फ के, क्योंकि उधर सोफे पे जाऊंगी तो मुझे इतना परेशान कर देती है, मुझे खाना नहीं खाने देती। तो कभी चाय, मैं कंच के गिलास में चाय लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरे हाथ स्लिपरी हो जाते हैं घी में, तो बार बार कभी चाय के गिलास पे हाथ मारिए कभी ऐसे, तो यहाँ मुझे कंफर्टेबल फील होता है। और मुझे लग रही थी भूख, वहाँ पे मस्ती करी है सोफे पर, और मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठ कर इतना नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। तो गाइस चलिए, अभी मिलते हैं 5 मिनट्स के बाद, तब तक हो जाता है मेरा ब्रेकफास्ट। तो देखिए गाइस, अभी मैंने जो है गैस क्लीन की है, क्योंकि तब तक बाहर चलेंगे अभी, और तब तक थोड़ा सा गैस वगैरह गंदी रहेगा, तो मुझे तो भी बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लग जाती है। मुझे किचन क्लीन चाहिए, और हल्की सी मैंने कर दी है किचन क्लीन, ये देखिए दोबारा से करूँगी, बर्तन वगैरह करूँगी साथ में, और शेल्फ भी मैंने जो है क्लीन कर दी है, क्योंकि आटा वगैरह पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। देखिए सारा मैंने कर दिया है क्लीन, तो मुझे तो ऐसा हो जाता है कि जब तक आपने अगर दो चीजें तो ऐसी हैं, एक तो अगर कपड़े पड़े रहे ना वॉश के लिए तो मुझे घबराहट वहां शुरू हो जाती है कि फटाफट से कपड़े धो, और दूसरा बर्तन, ये दो चीजें। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी सिंक में आपने कभी देखे इतने बर्तन? बहुत कम देखे होंगे गाइस, बहुत कम, क्योंकि मैं अपने सिंक में बर्तन ही छोड़ती। और एक्चुअली ये बर्तन जो है मेरे मॉर्निंग के ही हैं, रात को मैंने अपनी किचन जो है अच्छे से क्लीन करके छोड़ी थी, और रात को मैं रूम में चली गई तो बेटे ने कॉफी बनाई, तो एक पतीला और उसका एक कॉफी का कप रात का था, और उसके बाद कुछ बर्तन इसमें जो है मेरी गुड़िया पटक देती है, इसमें निकाल के खेल के और बर्तनों को इसमें डाल देती है, तो इससे क्या होता है मेरे एक्सेस में बर्तन हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, बच्चा है तो बच्चे के साथ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो गाइस देखिए, हल्की से मैंने जो अभी क्लीनिंग की है, तो अभी चलते हैं बाहर और बाहर का लेते हैं नज़ारा कि बाहर कैसा मौसम है, क्योंकि मैं 5:30 पे उठी थी, और 5:30 पे गाइस मैं गुड़िया के लिए उठी थी, गुड़िया को दूध पिलाने के लिए, तो किचन में मैं आई थी, तो 5:30 पे फिर मैंने हल्की से मुझे बूंदाबांदी की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बाहर बालकनी में दरवाजा ओपन करके मैंने देखा, मतलब अंदर सही जाली के दरवाजे में लकड़ी का दरवाजा खोल के मैंने देखा, तो बारिश स्टार्ट हो रखी थी और इतना तेज तूफान आया हुआ था, ऐसे कट 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 की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि शायद कहीं कुछ चीज़ गिर ना गई हो, और हवा चल रही थी, बड़ी तेज तूफान आया हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने दरवाजे वगैरह बंद करके फिर मैं अंदर वापस चली गई, तो उसके बाद मैं अभी गई नहीं हूँ, तो अभी देखते हैं बाहर का नज़ारा। और अगर आपको मेरी गुड़िया से मिलना है तो भी ये देख लीजिए, आजकल मेरी गुड़िया नाराज रहती है आप सबसे, भाई आप लोग शेयर नहीं करते हमारी वीडियोस को, है ना, आप हमें प्यार नहीं करते ऐसा। अच्छा बाबू तो बोलते फ्लैंकिश तो कर दो, फिर बाहर चलेंगे, बाहर चलेंगे, फिर बाहर चलेंगे, फ्लैंकिश करो, हेलो बोलो, हाय बोलो, हाय, लव यू बोलो, लव यू,
तो गाइज जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, और आने वाले टाइम में जो है आपको जो है और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बट वो तभी होगा जब आप लोग मेरा देंगे साथ और मुझे करेंगे सपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा गाइज प्लीज मेरी वीडियोस को कीजिए शेयर और लाइक किए बिना मत जाना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका मेरा जो है कौन सा व्लॉग अच्छा लगता है, जो मैं डेली रूटीन व्लॉग्स बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं या ब्यूटी रिलेटेड है या कौन से, आप मुझे जो कमेंट करके जरूर बताएं। इससे क्या होगा कि मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए उसी टाइप के कुछ व्लॉग्स और मैं क्रिएट कर सकूं। तो गाइज वही मैंने आपको बताया कि आने वाली वीडियोज होने वाली हैं आप लोगों के लिए स्पेशल, अभी बहुत कुछ है और जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो तभी होगा। कुछ लोग हैं जो कह रहे कि आप अपना होम टूर दिखाओ, ये करो वो करो, तो वो सभी चीजें जो है गाइज वो बाद में होंगी, होम टूर वगैरह वो बाद में होगा, तब होगा जब आप मेरा जो है साथ बनाए रखेंगे। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहना और तभी मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियोज शेयर करूंगी जो मुझे एक्सपीरियंस है ब्यूटी रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड और भी बहुत कुछ है, और लेकिन वो सब तभी होगा जब आप मेरे को जो सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ आपको ऐसा दिखा रही हूँ कि जिससे आप बोर हो रहे हैं या कुछ वीडियोस हो जाती हैं, तो लेकिन मेरी यही ट्राई रहती है कि कभी मैंने ब्यूटी रिलेटेड दिखा, जब मैंने ब्यूटी समथिंग कुछ मैंने कुछ दिखाया नहीं है, लास्ट वीक मैंने कुछ नहीं दिखाया, तो इसलिए आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता, तो इसलिए जो मुझे ठीक लगता है मैं उस अकॉर्डिंग जो है आपको जो है दिखा देती हूँ। मेरा चैनल जो है वो व्लॉग रिलेटेड है, मीन्स कि भाई मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो व्लॉग्स में आप कुछ भी, कोई एक पर्टिकुलर मेरा वो नहीं है कि मैं आपको कुकिंग रिलेटेड कुछ दिखा रही हूँ या ब्यूटी से ही कुछ, नहीं मेरा मिक्स एंड मैच है। तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए उसी टाइप की वीडियो कुछ क्रिएट करने की, और आने वाली वीडियो तो गाइज मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, बिटिया का बर्थडे आने वाला है, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, तो लेकिन वो मैं तब तक शेयर नहीं कर सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूंगी और आप लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी वीडियोस के बारे में मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे, तो शायद फिर मैं ये सब कंटिन्यू जो है आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो इसलिए मुझे इंस्पिरेशन की जरूरत है, और इंस्पिरेशन के बिना आप भी समझते हैं कि जब तक आपको किसी काम के लिए, कोई भी आपने काम नया स्टार्ट किया है, आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी ना उस काम की, तब तक आप शायद आगे नहीं बढ़ पाते, तो इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपकी जो ये वीडियोज है, इस तरीके की वीडियोज आप बनाएं, इस तरीके की बनाएं, हमें ये अच्छा लग रहा है कि कुकिंग भी अच्छी लग रही है या ब्यूटी अच्छी लग रही है, ब्यूटी रिलेटेड कुछ टिप्स हमें बताएं, कुछ इस तरीके से आप हमें जो है मुझे शेयर कर सकते हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन वो सब एकदम से नहीं हो सकता, टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन सबसे पहले जो है मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप लोग मेरे साथ जो है अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, क्योंकि जब अब तक आपने मेरा जो है साथ दिया है तो आगे भी ये साथ जो है लंबा जाने वाला है, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जाएगा। तो गाइस चलिए, बातें हो गई हैं बहुत, और अभी चलते हैं हम किचन को छोड़ के बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस घर मेरा पूरा फैला हुआ है, और सबसे पहले हम पहन लेंगे भाई कैप, और हवा चल रही है बड़ी तेज। सबसे पहले गुड़िया को तो मैंने पहना दिया कैप, और भाई मेरी कैप चली गई है अंदर, अंदर मैं अलमीरा में रखाई हूँ, और अभी हस्बैंड ने लगा लिया अंदर से लॉक, क्योंकि गुड़िया करती है ना परेशान। तो भैया सबसे पहले हम ले लेते हैं शॉल, और मुझे तो सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी हम चलेंगे भाई बाहर, ऐसे नहीं चलेंगे। और चलिए चलते हैं बाहर, घर मेरा पूरा फैला पड़ा है, पूरा वॉश किए हुए कपड़े भी कल मैंने वॉश किए थे, तो वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि थर्सडे था तो मैं थर्सडे को धोती नहीं हूँ। तो अभी चलते हैं बाहर, और आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये देखिए इतना तेज, गुडू उधर नहीं जाना, और यही मौसम अगर हमारा गर्मी में हो जाता है ना तो हमें कितना अच्छा लगता है। ये देखिए कितना तेज, इतनी तेज हवा चल रही है, तो गर्मी में अच्छा लगता है, और अभी सर्दी में जो है ठंड लग रही है। तो ये आज की है ना बारिश बता रखी थी कि आज बारिश होगी, बट यहाँ इतनी बारिश हुई नहीं है, मुझे लगता है बारिश तो हल्की फुल्की सी हुई है, बट हवा तेज चल रही है।
और ये आ गया मेरा बच्चा, ये देखिए मेरा गुड्डू आ गया, ये देखिए छोटा सा बाबू मेरा, ये देखिए आज इसने भी भाई देखिए देखिए बच्चे कितने वो होते हैं। मैंने इसको बोला कि मैं तुझे बाहर लेके चलूंगी और बाहर आ गई है, कैप डाल दीजिए, कैप कम डाल दी, चलो गुड्डू बता दो, चलो ठंडू होगी, चलो तो हवा तेज चल रही है तो ये गुड़िया है ना मेरे साथ साथ ऐसे रहेगी। ये है मेरे साथ में पार्क, तो काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है कई बार। तो इस तरीके से अगर आप बालकनी में आ जाओ और आपके आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज़ मुझे तो शौक है गमले वगैरह करने का सब कुछ, बट अभी मुझे थोड़ा इतना टाइम नहीं मिल पाता और थोड़ा सा अब समर स्टार्ट हो जाएंगी ना तब मैं थोड़ा सा गार्डनिंग का भी आप लोगों को दिखाऊंगी, अच्छे अच्छे फ्लावर्स वगैरह सब कुछ। तो वही है कि दिखाने के लिए बहुत कुछ है आप कुछ, तो थोड़ा सा लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत है। आप वीडियो कंटिन्यू बनाए जा रहे हो लेकिन अगर आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फील होता है कि यार कोई देख रहा है क्यों इसको नहीं देख रहा, तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं जो मेरे से छोटे हैं जो मेरे से बड़े हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट के बिना शायद फिर मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ। अब कोई भी न्यू काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, टेस्ट भी जानना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो एक बार आपको और हमारा साथ बन जाए अच्छे से फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आपका टेस्ट भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए गाइस गुड़िया के पीछे 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 पीछे, और अभी मैं गुड़िया को अंदर लेके जाऊंगी भाई क्योंकि छोटा बच्चा है, ठंड लग जाएगी, ये मानती नहीं है, इसको बाहर जाने का बहुत शौक है। तो आइए मैं भी आपको दिखाती हूँ मैं पार्क, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी। तो गाइस गुड़िया को मैं ले आई हूँ अंदर और गुड़िया जो है कंटिन्यूसली रोए जा रही है। तो ये अभी आया है अमेजोन से, देखते हैं भाई क्या मंगवाया है। और ये भी दिखाती हूँ मैं आपको, अभी मैंने ओपनिंग अभी की नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट करी थी तभी आया है, इसको करूँगी। तो गाइस सबसे पहले किया है मैंने, रुको बेटा एक मिनट, ओपन किया है इसको, देखते हैं क्या है। और एक्चुअली क्या है कि मैं हाथ से ही कर रही हूँ शूट, सो मास्क। तो गाइस ये मंगाए हैं, ये देखिए अमेजोन से ये पूरा पैक आता है एक्चुअली। तो ये है, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ये देखिए मास्क मंगाए हैं भाई, ढेर सारे मास्क हैं ये देखिए। तो इसको हम कर देते हैं बंद, अब आती है नेक्स्ट टर्न, इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसको करते हैं अभी ओपन। ये कर दिया है मैंने ओपन, ओ ये आया है भाई फेस वॉश, ये देखिए मेरे बेटे ने मेरे लिए मंगाया भाई, ये देखिए। एक्चुअली क्या है कि मैं फेस वॉश यूज नहीं करती, बट मदर्स डे पे मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था फेस वॉश, और आई थिंक मामाअर्थ का किया था, और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो मुझे लगता था पहले कि आप ऑयली स्किन वाले ही जो है फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, बट वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरी स्किन भी अच्छी रहती थी। तो नहीं मामाअर्थ का नहीं, वाव का ही था, वो भी वाव का ही था, और यही था एप्पल से यही था। अब ये वाला जो बेटे ने मंगवाया है, ये मंगवाया है ये देखिए वाव का है, एप्पल सीडर विनेगर है, उस टाइम पे भी यही मंगाया था, मुझे गिफ्ट दिया था उसने मदर्स डे पे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो फिर उस दिन के बाद से ना मैं वाव या मामाअर्थ का कोई भी मेरा ख़त्म हो जाता है तो मैं मंगा लेती हूँ। तो ये मेरा आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है इससे स्किन ना, तो आपकी जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है फेस पे, कोई भी डर्ट वगैरह होती है ना तो आप अच्छे से वो रहता है, जिसकी बिल्कुल ड्राई है तो वो क्लिनजिंग मिल्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में तो फेस वॉश ठीक रहता है ये देखिए। और मुझे स्पेशली अभी बेटे ने अपने लिए मंगाया है, वो दूसरा यूज़ करेगा क्योंकि उसकी भी ग्रोइंग एज है ना, तो फेस पर हल्के से पिंपल्स वगैरह हो गए, मेरी क्लीन स्किन है तो मेरी स्किन पर नहीं है पिंपल्स वगैरह, तो ये मंगवाया भाई। और मुझे ये ना ये जिसके ब्रश होते हैं ना ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं और अच्छी लगती है, इससे ना आपके पोर्स जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये देखिए इसकी कैप है और ये कितना अच्छा सा है, ये देखिए एक अच्छे से ना रब हो जाता है आपकी स्किन पे, काफ़ी अच्छी है। और ये इसकी कैप भी है, इससे क्या होगा कि कोई जम्स वगैरह भी जो है कोई भी
वॉम वगैरह इस पर नहीं आ सकता, सेफ रहती है। तो ये मंगाया है भाई बेटे ने, एप्पल सीडर विनेगर फेस वॉश। तो आज मैं करने वाली हूँ ये यूज़, विटामिन सी का भी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए और विनेगर वगैरह ये अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए, तो इसलिए फिर मैंने बेटे ने ये मंगाया मेरे लिए। विटामिन सी मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, अब तो मुझे 1 मंथ हो गया यूज़ किए हुए। इससे क्या होगा, हल्का सा यूज़ कर लेते हैं ना तब की स्किन जो डॉट वगैरह ऑयलिंग वगैरह जो हो जाते हैं ना फेस, तो सब क्लीन हो जाती है, अच्छा रहता है फेस। तो गाइस ये देखिए, ये है मेरे सोफ़ा, और मैंने जब ये एक्चुअली क्या है कि मेरा है ये न्यू होम, और मैंने जब यहाँ पे शिफ्टिंग की तो उस टाइम पे डिलीवरी का टाइम था, और देन उसके बाद से फिर जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने घर को कुछ ऐसा ज़्यादा लॉकडाउन में कुछ मैंने डेकोरेट वगैरह नहीं किया था और ना ही मुझे टाइम मिला गुड़िया के चक्कर में। तो अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, तो धीरे धीरे करके मैं आपको जो है कुछ कुछ चीज़ों का जो है ओवर मैं करने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको ये जो है मेरा पसंद आएगा, और ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये है कि कुछ कुछ मैं कोशिश करूंगी और जिससे आप भी कुछ सीख पाए। और लेडीज़ के लिए थोड़ा सा होता है कि आप अपने घर को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे अच्छा बनाएं, तो आपके लिए वीडियोज आने वाली वीडियोज जो हैं फ्यूचर में अच्छी होने वाली हैं। वैसे बीच में गुड़िया ने जो डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं ये कह रही थी कि ये पीछे वॉलपेपर है, तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मुझे मैं सोच रही हूँ कि मैं सोफे के लिए कवर ले आऊँ, क्योंकि ये देखिए ये मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, ये गुड़िया ने सारा ख़राब कर दिया है, और इधर से भी जो है गुड़िया ने, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, गुड़िया ने बिल्कुल ये देखिए ये फाड़ दिया है। तो अभी न्यू लाने का तो भाई हमारा बजट है नहीं, क्योंकि ये भी न्यू सोफ़ा ही है और सारी इसने टेबल भी ख़राब कर दिया है। तो अभी मैं इसको दूंगी एक अच्छा सा मेक ओवर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए जो है सोफ़ा कवर लेके आऊँ। और जो मेरी गेस्ट कह रही है कि मैं सोच रही हूँ किसके लिए मैं प्लेन सोफ़ा कवर लेके आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे किस कलर के सोफ़ा कवर जो है लेने चाहिए, और वॉलपेपर के अकॉर्डिंग तो मैं कैसे सोफ़ा कवर लेके आऊँ जिससे कि मेरा सोफ़ा जो है न्यू जैसा हो जाए। है तो ये न्यू ही, बट ये गुड़िया ने जो अभी थोड़ा ख़राब कर दिया, तो इसलिए नए लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा जिस घर में होता है वो काट फाट सब कुछ करेगा। तो इसके मुझे बताना कमेंट करके कि मैं कौन से कलर का, और मैं कैसा जो है अभी मैंने डिसाइड कुछ किया नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो है प्लेन कलर का मैं सोफ़ा कवर मैं लूँ प्लेन, क्योंकि ये मेरा जो है ये देखिए मल्टी उसमें है हल्का सा, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो कोई भी इनमें से एक कलर मैं चूज़ कर लूँगी, और डार्क शेड में, और प्लेन में, प्रिंटेड में नहीं, क्योंकि प्रिंटेड में तो ये है ही, तो प्लेन में मैं लेके आऊँगी इसका सोफ़ा कवर, और करते हैं वही फिर थोड़ा सा कुछ घर को डेकोरेट। तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बताना भी कमेंट करके, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 1 या 2 दिन के अंदर मुझे आप बताना, नहीं तो फिर मैं जो अपने अकॉर्डिंग में लेके आऊँगी सोफ़ा कवर। और अभी घर पूरा मेरा फैला हुआ है, और अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा घर से, मेरी हस्बैंड है अंदर और गुड़िया कर रही है अपनी मस्ती, और किचन पड़ा है मेरा, और तो अभी किचन में मैं करती हूँ बर्तन साफ। तो गाइज अभी मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बताना, और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे सपोर्ट करना भाई। फिर मिलते हैं जल्दी ही, थैंक यू सो मच।